बयान में अब तक हमने देखा कि कैसे चकोर और सूरज इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे थे रणविजय का पर्दा फाश करने के लिए। एंड अब फाइनली उन्होंने रणविजय की असलियत सबके सामने ला दी है। एंड इसके बाद खुशी खुशी वो अपने घर आजादगंज वापस लौटने वाले हैं। लेकिन आजादगंज में उनके जो दो सबसे बड़े दुश्मन हैं इमली और कमल नारायण, आज इन दोनों के बीच हो गई है बहसबाजी। और वो भी इतनी कि कमल नारायण ने इमली पे हाथ तक उठा दिया है। इमली ने ये जिम्मेदारी ली थी कि सूरज और चकोर कभी साथ नहीं आ पाएंगे, लेकिन अब तो वो दोनों एक साथ घर वापस आ रहे हैं। एंड इसी बात से गुस्सा होकर कमल नारायण ने उठा दिया अपना हाथ इमली पर। सूरज और चकोर शायद अब तक ये बात नहीं जानते हैं कि इमली भी उनके अगेंस्ट है। जब उन्हें पता चलेगा कि इमली थी ये मास्टरमाइंड उन दोनों को दूर रखने के लिए, तो कैसे रिएक्ट करेंगे ये आपको शो देख के पता चलेगा। बट फॉर मोर अपडेट्स ऑन योर फेवरेट शोज डू सब्सक्राइब टू टेले बाइट्स। नियति तिवारी, टेले बाइट्स, मुंबई।